Hi student, welcome to Archay Yajuhab online classes, class 11th, subject biology chapter 8, the cell. और इसमें हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें समझा था असीम केंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोट सेल से जस्ट आगे का जो पॉइंट है इसका वो बाह्य आवरण. बाह्य जो आवरण होता है इसका वो त्रिस्तरीय होता है. बाह्य जो आवरण है वो त्रिस्तरीय, तीन लेयर इसमें पाई जाती है. पहला जो है वो बाह्य परत, सेकंड कोशिका भित्ति, थर्ड जीव द्रव्य कला, इसमें पाई जाती है. जीवाणु कोशिका है, इसमें बाह्य जो परत है ये वाला, ये बाह्य परत है. सेकंड कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला. अब इसमें फर्स्ट जो है बाह्य परत, ये इसका कुछ भाग तो मोटा होता है और कठोर होता है. इसको दो भागों में बांटा गया है. एक तो होती है संपुटिका, संपुटिका जो है ये मोटा है और कठोर है. मोटी परत के रूप में पाया जाता है और कठोर होता है, जो ग्लाइको कैलिक्स का बना होता है. ग्लाइको कैलिक्स का बना होता है. दूसरा जो होता है इसका वो अवपंक परत होती है. अवपंक परत जो यहां से मोटे के स्थान पर पतली परत के रूप में पाई जाती है और कठोर के स्थान पर नरम या ढीली, पतली नरम और ढीली होती है, जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है. पॉलीसेकेराइड की ये बनी होती है. सेकेंड कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होती है वो संरचनात्मक आवरण का कार्य करती है. संरचनात्मक आवरण का कार्य करती है, यानी कि इसकी संरचना को बनाए रखने का कार्य करती है. इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में रखती है और आकार प्रदान करने का कार्य इसको करती है. यह कठोर होती है, कठोर होती है. इसका जो निर्माण होता है वो पेप्टिडो ग्लाइकेन से होता है. पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है. इसके बाद में थर्ड जीव द्रव्य कला, और अरेंज कर लेते हैं इसको. त्रिस्तरीय है कोशिका भित्ति, सेकेंड पॉइंट इसका जो कि संरचनात्मक आवरण का कार्य करती है, कठोर होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है. इसी के साथ में कोशिका भित्ति जो होती है वो जीवाणु को फटने से बचाती है, फटने से बचाती है, यानी कि ये सुरक्षात्मक आवरण होता है. सुरक्षात्मक आवरण होता है. थर्ड जीव द्रव्य कला,
जीव द्रव्य कला जो होती है जटिल उपापचय क्रियाओं का स्थल होती है, यानी कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, जितने भी उपापचय क्रियाएं हैं उनको जीवद्रव्य कला जो है वो स्थल प्रदान करती है, यानी कि जीवद्रव्य कला के ऊपर उपापचय क्रियाएं जो है वो संपादित होती है, जिसमें मुख्य रूप से जो होती है श्वसन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, वसा या लिपिड का संश्लेषण जो होता है वो इसी के ऊपर होता है। इसमें जीवद्रव्य जो कला है इसके द्वारा एक संरचना का निर्माण होता है, संरचना बनती है इसके द्वारा जो कि त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण होता है, त्रिस्तरीय संरचना को मीजोसोम बोलते हैं, मीजोसोम या मध्यकाय। अर्थात एक स्थान पर जीवद्रव्य कला जो है वो त्रिस्तरीय आवरण में संरचना में चेंज हो जाती है जो मीजोसोम या मध्यकाय कहलाती है। मध्यकाय जो है मध्यकाय तीन रूपों में पाई जाती है, पुट्टिका, नलिका के रूप में और पट्टिका, तीन रूपों में यह पाई जाती है। मध्यकाय या मीजोसोम जो है वो पुट्टिका के रूप में, नलिका के रूप में और पट्टिका के रूप में पाई जाती है। यहां से इसके जो कार्य हैं मीजोसोम के वो देखेंगे। मध्यकाय के कार्य, मध्यकाय जो होती है या मीजोसोम जो है वो श्वसन व अवशोषण का कार्य करती है, श्वसन व अवशोषण का कार्य करती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, सेल वॉल, सेल वॉल का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त डीएनए प्रतिकृति, डीएनए का जो निर्माण है, यहां पर डीएनए जो पाया जाता है इसमें जैसे ही इसका विभाजन होगा और नई कोशिका इससे बनेगी तो उसमें जो बनने वाला जो डीएनए है, जो डबल डीएनए होता है इसमें, तो प्रतिकृति, प्रतिकृति डीएनए है उसकी प्रतिकृति करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम की मात्रा को भी ये बढ़ाती है। तो इस प्रकार के इसके कार्य जो है वो कंप्लीट है। इससे पहले श्वसन और अवशोषण का कार्य, कोशिका भित्ति का निर्माण करना, डीएनए की प्रतिकृति और एंजाइम की मात्रा को बढ़ाना। यहां पर एक नोट पॉइंट है, कुछ स्वकोशी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, स्वकोशी प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर जो वर्णक होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, वो लवक में नहीं पाए जाते, ये लवक में नहीं पाए जाते, ये एक अलग संरचना होती है, उस संरचना के अंदर ये पाए जाते हैं, इसको लेमिली बोलते हैं। वर्णक लवक में ना होकर किसमें उपस्थित होते हैं, एक अन्य संरचना है जिसको लेमिली बोलते हैं, जो ये लेमिली जो है ये नाइट्रीकरण और प्रकाश संश्लेषण यहां पर दो क्रियाएं जो होती है नाइट्रीकरण और प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया इनका कार्य करती है लैमेली का। पूछा जा सकता है कि लैमेली जो है उसका कार्य क्या है, तो यहां से नाइट्रीकरण और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इस प्रकार से जो असीम केंद्र की कोशिका है उसका बाह्य आवरण जो है तीनों स्तर त्रिस्तरी ये होता है, उन सभी का अध्ययन हमने इसमें कर लिया है। धन्यवाद, थैंक यू।